Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. So अभी states of matter ही चल रहा है. Today's video is on miscellaneous questions of states of matter. And here we are only going to solve MCQs. And focus क्या है अपना MHCET 2021. So let's start. First question क्या है देखो. First question ठीक से read करो. An LPG gas cylinder contains 15 kg butane gas. So मैं simultaneously लिख रही हूँ क्या दिया हुआ है. 15 kg butane gas present है at 300 Kelvin ना 27 degree Celsius and pressure कितना है 10 atmosphere. It was leaking and pressure fell down to 8 atmosphere. 10 से क्या हुआ 8 atmosphere हो गया pressure. After one day, the gas leaked is कितना gas leak हुआ, ठीक है? So temperature is constant. मैं क्या use करूँगी? PV is equal to nRT. इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? Evaluate करते हैं according to data given. So वॉल्यूम तो सिलेंडर का कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. सो ये इक्वेशन क्या बनेगा? P by N that is equal to constant. So इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, P1 N1 that is equal to P2 N2. अभी यहाँ पे N यानी क्या होता है? What is N? Given mass upon molar mass. तो molar mass तो ब्यूटेन का सेम ही रहेगा. तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, P1W1 that is equal to P2W2. M कैंसिल हो जाएगा, ओके? तो अभी मैं क्या करती हूँ, गिवन डेटा सब सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. ये कितना दिया है प्रेशर? 10 है, 10 एटमॉस्फेयर पे 15 केजी. तो P2 8 एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो इसका मास कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई? 15 × 8 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 120/10, सो इट विल बिकम 12 kg. तो लीक कितना हुआ? पहले 15 था, फिर 12 हो गया, तो लीक कितना हुआ? W2 minus W1 that is 15 minus 12 कितना लीक हुआ? 3 kg. ओके, सो आंसर क्या है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Reducing the pressure from 1 to 0.5 atmosphere would change the number of molecule in 1 mole of ammonia. तो यहाँ पे मुझे बताओ, pressure change हो रहा है but mole तो 1 mole ही है ना, और 1 mole में कितना molecule आएगा? 1 mole में हमेशा 6.022 × 10^23 molecules ही आएंगे, ये change ही नहीं होगा number. Number will not change. Okay, so इसका answer क्या आएगा? None of this. Okay, next. How much should the pressure be increased in order the volume of gas by 5%? In order to decrease the volume of gas by 5% at constant temperature. Constant temperature means कौन सा law? Constant temperature means अपने को क्या करने का है यहाँ पे? Boyle's law use करना है. Boyle's law is what? P1V1 that is equal to P2V2. अभी फटाफट सब ढूंढो, अभी क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे. How much pressure? अभी ये तो बराबर है कि volume 5% से decrease हो रहा है. क्या हो रहा है? Volume decrease हो रहा है, तो pressure increase ही होना है. तो वो कितना increase हो रहा है ये पूछा है. 5% volume के decrease होने पे pressure कितना increase होगा ये तुम्हें पूछा हुआ है. Percent है, means it is always out of 100. So तुम्हारा V2 is how much? 5% decrease, यानी 100 − 5 है ना. So that is how much? 95/100 × V1. So इसको मैं 0.95 V1 भी लिख सकती हूँ.
ओके, और प्रेशर ही तो अपने को कैलकुलेट करना है. सो पी वन वी वन दैट इज इक्वल टू पी टू इंटू 0.95 वी वन. वी वन वी वन कैंसिल. सो पी वन इज 0.95 पी टू. ओके, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, पी टू इज 1/0.95 पी वन. सो 1/0.95 का कैलकुलेशन करो कितना होता है. पॉज करो वीडियो और मेरे साथ में आंसर चेक करना कितना होता है. 1.052 पी वन. ओके, तो अभी अपने को क्या करना है, इंक्रीज कितना हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये कैलकुलेट करना है. परसेंट क्वेश्चन में नहीं दिया बट ऑप्शन में मेंशन किया है परसेंट. सो परसेंट इंक्रीज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, पी टू माइनस पी वन अपॉन पी वन. सो पी टू कितना है, 1 - P1 / P1 इंटू 100 ना, परसेंट है सो इंटू 100. तो ये कितना हो जाएगा, 0.052 पी वन अपॉन पी वन इंटू 100. पी वन पी वन कैंसिल, सो इट विल बिकम हाउ मच, 5.2%. सो माय आंसर इज बी. ओके, ये तो तुम डी तो ऐसे ही नहीं आएगा, डी एंड ए, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज ही होना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ वेसल इज फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट व्हाट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर विल द मास ऑफ गैसेस बी आइडेंटिकल. सो अपने को रेशियो किसका कैलकुलेट करने का है, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये कैलकुलेट करना है. और इन लोग ने अपने को दिया हुआ है, क्या दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो ये कैसे, क्या आएगा इसका, डेल्टन्स लॉ. डेल्टन्स लॉ ने क्या बताया है अपने को, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, इट विल गो. अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन, इसका मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. सो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. मास सेम है ना, मैं इसको x लेती हूँ, x अपॉन 32 एंड दिस इज x अपॉन 28. x x will get cancel out, so it will become 28 divided by 32. 4 7s are 4 8s are 7 divided by 8 कितना आएगा, करो आंसर कैलकुलेट करो फटाफट, पॉज करके कैलकुलेट करो आंसर और मेरे साथ चेक करो. 0.875 pn. so which option, d option, समझ रहा है ना. Yes, all of you. So please like and share this video. Next question. A weather balloon filled with hydrogen at 1 atmosphere and 27 degrees Celsius has volume equal to 12,000 liter. On ascending, it reaches a place where temperature is minus 23 degrees Celsius and pressure is 0.5 atmosphere. The volume of balloon will be. So, पहले given data लिखते हैं, तो अपने को क्या है, we get a path to calculate. Pressure कितना दिया है, 1 atmosphere दिया है. Temperature दिया है 300 Kelvin. Temperature को हमेशा Kelvin में ही लेना है. Volume है 12,000 लीटर. अभी ऑन एसेंडिंग टेम्परेचर कितना हो गया, -23 डिग्री सेल्सियस. -23 डिग्री सेल्सियस इज -23 + 273, कितना होता है ये, करो कैलकुलेट. 273 - 23 = 0. दिस इज T2. P2 दिया है ना, 0.5 एटमॉस्फियर.
and we need to calculate V2. So combined gas equation, combined gas equation, substitute karo values. I'll just erase this. Need to calculate karna hai and T2 is given. So calculate karo. V2 will be what? 120 into 250 divided by 3 into 0.5. So chalo fatafat calculations karo. Kitna aa raha hai answer batao fatafat. Kitna aa raha hai check karo. Mujhe aaya answer 20,000 liters. So answer is B. Next question. In what ratio by mass carbon monoxide and nitrogen should be mixed so that partial pressure is exerted by gas is same. So partial pressure of CO plus and that of nitrogen is same. So formula kya aega? X of CO PT and X of N2 PT. Answer. Mass ka ratio bola hai na. So it will be what? Moles of CO plus moles of N2. And this is moles of N2 upon, sorry, moles. N of CO plus N of N2. So, ye bhi cancel ho jayega. So, X upon 28 and this is also X upon 28. This is answer. So, mass is same. 1 is to 1. So, answer is A. Okay? Next question. A bottle of cold drink has 200 ml liquid in which CO2 is 0.1 molar. If CO2 behaves as an ideal gas, the volume of CO2 at STP solution of cold drink is. Cold drink CO2 ka molarity hai 0.1 molar in 200 ml. So molarity is number of moles upon volume. ML mein hai, isiliye divide by 1000. So N will be how much? 2 into 0.1 upon 10. So it will become how much? 2 into 10 raised to minus 2 moles. Okay. At STP, 1 mole is equal to 22.4 liter. So 2 into 10 raised to minus 2 mole will become how much? Kitna aega answer? 44.8 into 10 raised to minus 2. So that is 0.448 liters. So my answer is B. Okay. Next question. A pre-weighted vessel was filled with oxygen at NTP and weighted. It was then evacuated, filled with SO2 at same temperature and pressure and again weighted. The weight of oxygen would be. The weight of oxygen would be. अभी यहाँ पे तुम लोग को question में दिया हुआ है same temperature and pressure. इसका मतलब Avogadro law. गैस ही है ना, volume is directly proportional to mole. So volume same रहेगा. So moles of oxygen and moles of SO2 भी same रहेगा. So moles ये कितना होता है? X upon 32 and this is X upon Y upon 64. करेक्ट ना? सो ये कितना है?
weight of oxygen will be, weight of oxygen will be how much? Half, why? So it will be half of SO2. Clear? So this was my last question. I hope तुम लोगों को समझ में आया है miscellaneous question. Now in this video I have solved question of every type which is asked in states of matter. Boyle's law, Avogadro law, Dalton's law, partial pressure, सबके मैंने यहाँ पे numericals cover किए हैं थोड़े से higher level के. So I hope you have liked this video. अगर video पसंद आ रहा है like करो, comment करो. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कैट 25 साइंस एकेडमी. थैंक यू सो मच.